आज टोक्यो ओलंपिक में भारतीय पुरुष हॉकी टीम की तरफ से शानदार प्रदर्शन करते हुए ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया गया है और 41 साल से जो सूखा पड़ा हुआ था उसे भी आज टीम ने दूर कर दिया है। जश्न का माहौल देश भर में और उसी की अलग अलग तस्वीरें आगे आपको दिखाएंगे। तो देखिए टोक्यो ओलंपिक में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने इतिहास आज रच दिया। 41 साल बाद भारत ने ओलंपिक मेडल अपने नाम किया है। कांस्य पदक के मुकाबले में भारतीय टीम ने जर्मनी को 5-4 से मात देकर दुनिया को यह बता दिया कि भारत की हॉकी में अभी वो दम है जो किसी को भी चित कर सकता है। 1980 के बाद टोक्यो ओलंपिक में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने पहला पदक जीतकर पिछले 4 दशकों से जारी मेडल के सूखे को खत्म किया। इस जीत ने एक बार फिर से भारतीय हॉकी मैं अपने पुराने दिनों को ताजा कर दिया। भारत की टीम के बाद पूरे देश में जीत के बाद जश्न का माहौल है। खिलाड़ियों के परिजन, प्रशंसक मिठाइयां और ढोल बजाकर जीत का जश्न मना रहे हैं। ये 5 अलग अलग तस्वीरें हैं आपके सामने। ब्रॉन्ज मेडल जीतने के बाद जीत पर देश भर में जश्न का माहौल। जर्मनी को करारी शिकस्त दी गई भारतीय टीम की तरफ से। ऐतिहासिक जीत इसे इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि 4 दशक 41 साल बाद यह शानदार जीत। और देखिए ये अलग अलग जगहों की तस्वीरें आपके सामने। 8 तस्वीरें जश्न की देश भर में अलग अलग राज्यों में किस तरह से जश्न मनाया गया इस जीत के बाद। जम्मू, जालंधर, अमृतसर, वाराणसी, मोहाली, असम, इम्फाल और अंबाला की ये तस्वीरें। एक अलग उत्साह नजर आया लोगों में। जश्न अपने अपने अलग अलग तरीके से अपने अपने अंदाज में लोगों ने मनाया और वो पल एक अलग ही पल रहा। जैसे ही ऐलान हुआ टीम की जीत का, जैसे ही फाइनल गोल हुआ भारतीय टीम का, जम्मू में देखिए किस तरह से लड़कियों की तरफ से नाच गाना किया गया हाथ में हॉकी स्टिक लेकर। जालंधर की भी तस्वीरें आपके सामने। भंगड़ा यहां पर गिद्दा किया गया। अमृतसर, वाराणसी, मोहाली, असम, इम्फाल और अंबाला में सभी जगहों पर इसी तरह की तस्वीर नजर आई। तो 41 साल बाद हॉकी में मेडल, पुरुष हॉकी में भारत को ब्रॉन्ज मेडल मिला। 41 साल बाद 5-4 से हराकर जर्मनी की टीम को मेडल, ब्रॉन्ज अपने नाम किया भारतीय टीम ने। सिमरनजीत ने 2 गोल किए भारत की तरफ से। हार्दिक, हरमनदीप और रुपिंदर की तरफ से 1-1 गोल किया गया। दूसरे क्वार्टर में भारत की तरफ से 3 गोल किए गए। ये हाइलाइट्स आपको बता रहे हैं पूरे मैच के। तीसरे क्वार्टर में भारत ने 2 गोल दागे। शानदार प्रदर्शन क्योंकि पूरा टीम वर्क था ये और एक एक खिलाड़ी की तरफ से शानदार प्रदर्शन। दूसरा गोल हार्दिक सिंह की तरफ से लिया गया। तीसरा गोल हरमनप्रीत सिंह ने लिया। इसके अलावा चौथा गोल रुपिंदर पाल सिंह की तरफ से लिया गया। 5वां गोल एक बार फिर से सिमरनजीत सिंह ने लिया पहला और 5वां गोल सिमरनजीत सिंह की तरफ से। शानदार प्रदर्शन सभी खिलाड़ियों का। तो देखिए टोक्यो में ब्रॉन्ज क्यों खास है, इसके क्या मायने, यह समझिए। 1980 के बाद यह जीत भारत की तरफ से दर्ज की गई। बीजिंग ओलंपिक में भारत क्वालिफाई नहीं कर पाया था। रियो ओलंपिक में भारत आखिरी स्थान पर रह गया था। राष्ट्रीय खेल हॉकी को पुराना गौरव वापस मिला है कह सकते हैं। तो भारत ने 41 साल बाद ओलंपिक में हॉकी में मेडल जीता है। आज जश्न का दिन है, पूरे देश में जश्न है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह से फोन पर बातचीत की। पीएम ने कहा कि भारतीय टीम ने इतिहास बनाया है। पीएम ने कहा कि वो 15 अगस्त को पूरी हॉकी टीम से मिलेंगे। नमस्कार सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। पूरी टीम को बहुत काम गजब किया है आपने, पूरा देश नाचा है। थैंक यू सर। सर आपकी बहुत दुआएं थी सर हमारे साथ। थैंक यू सर। सर आपका जो मोटिवेशन था वो काफी काम किया सर हमारी टीम के लिए। आप लोगों की मेहनत काम कर रही
बिल्कुल सर। तो मेरा तरफ से सर सभी खिलाड़ियों को बधाई दे देना भैया। थैंक यू सर, थैंक यू सर, मैं दे दूंगा सर। 8-15 अगस्त को मिल रहे हैं, मैंने सबको बुलाया है, तो उस दिन मिलेंगे हम लोग जरूर सर। हाँ जी सर, है साथ में है सर। जी सर नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद सर। उसने उस दिन आपने जो प्रोत्साहन दिया था ये उसी का जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद मोदी जी आपका। और मोदी जी मेरे साथ में जी, मेरे साथ में चीफ कोच भी है ग्राहम रीड, आप उनसे अगर बात करना है। जी जी लीजिए। हेलो सर, I hope we have made you proud. Congratulations. Thank you. Congratulations. Thank you, sir. They're fantastic, huh? It's so good to see. And so good for India, huh? Thank you, sir. Thank you. And your words the other day after the semi-final were fantastic and very inspirational to us. Thank you. तो देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कोर्ट से भी बातचीत की गई। इसके अलावा बता दें ओलंपिक में हॉकी टीम की जीत पर राज्यसभा सांसद सुभाष चंद्रा की तरफ से भी टीम को बधाई दी गई। देश को बड़ी जीत हॉकी में ओलंपिक में, हमारे साथ राज्यसभा सांसद सुभाष चंद्रा जी ने सर इस बड़ी जीत पर चर्चा। देखिए सबसे पहले तो मुझे भारतीय हॉकी संघ और उस टीम को बहुत बहुत बधाई और पूरे देश को भी बधाई। भले ही हम ब्रॉन्ज जीते हों लेकिन फिर भी ये एक 40-41 वर्ष बाद जो जीत हासिल हुई है, मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि अगले समय जब इंटरनेशनल प्रतिस्पर्धा में भारतीय हॉकी टीम उतरेगी तो वो गोल्ड भी जीतेगी। और एक और बड़ी बात, फुटबॉल के अंदर भारतीय टीम एक समय था जब वो पूरा वर्ल्ड कप में खेलते थे, लेकिन शायद आपके दर्शकों को मालूम ना हो वो लोग केवल इसलिए बाहर कर दिए गए क्योंकि वो उस समय में बेयर फिट यानी नंगे पांव खेलते थे और इन्होंने कानून बनाया कि नहीं जूते पहन के खेले जाएंगे, इसलिए भारतीय टीम फुटबॉल में वर्ल्ड कप से हट गई। वरना मुझे विश्वास है कि फुटबॉल टीम भी वापस इतिहास बनाए। कल आप महिला हॉकी टीम है उनको बधाई। महिला हॉकी टीम को भी बहुत बहुत बधाई, उन्होंने भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है और एक बार फिर मैं समझता हूं कि ये देश क्रिकेटिंग नेशन से हटकर एक स्पोर्टिंग नेशन बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो कल के मैच से भी देश को उम्मीदें हैं कि कल हमारे खिलाड़ी बेहतर प्रदर्शन करेंगे। ब्रह्म प्रकाश दुबे, जी मीडिया।